अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है बार ऑफ सूट। सूट फाइल करने के लिए कौन से बार आयद होते हैं। देखिए, ला में एक हमने सूट फाइल किया, एक केस फाइल किया। ला में दूसरा सूट यानी केस फाइल करने की ला इजाज़त नहीं देता। अगर प्लेंटिफ मुदई के पास एक सूट फाइल करने के लिए अवेलेबल है तो ऑफ कोर्स वो एक सूट फाइल करेगा, दूसरा नहीं कर सकता, उस पर बार मौजूद है। उसके लिए रूलिंग भी है 2012 पीएससी पेज है 1446। याद रखें, अगर प्लेंटिफ एक केस किसी भी डिफेंडेंट के खिलाफ, फॉर एग्जांपल परमानेंट इंजेक्शन का केस फाइल करता है एक ही प्रॉपर्टी का, जहां कोई रिलीफ डिक्लेरेशन या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्लेम उसने नहीं किया, तो उसका मौजूदा जो केस होगा डिक्लेरेशन का, अगर कहते हैं अंडर 2 रूल 2 के तहत बार होगा, वो दोबारा फाइल नहीं कर सकता। देखिए, फ्रिज सूट ऑलरेडी अगर उसने फाइल किया हुआ है और वो मौजूद है तो उसने वो विड्रा नहीं किया, उसी प्रॉपर्टी पर सेम पार्टी के बीच दोबारा केस फाइल नहीं कर सकता, उस पर बार है। यानी एक हमारे पास एक सूट, एक प्रॉपर्टी बिटवीन द सेम पार्टी, बिटवीन द सेम प्रॉपर्टी, अगर एक केस हमारे पास मौजूद है, उस केस की मौजूदगी में हम दूसरा केस फाइल नहीं कर सकते सेम प्रॉपर्टी का। या तो ये है कि वो सूट हम विड्रा करते हैं, विड्रा करने के बाद हम दूसरा सूट फाइल करें, ये ऑप्शन है। लेकिन अगर हम विड्रा नहीं करते तो एक सीट मौजूद है तो दूसरा सूट हम फाइल नहीं कर सकते, वो बार होगा। उसके रूलिंग ये पीएलडी 1983 एससी पेज है 344, और उसके अलावा 1990 ला नोट्स है लाहौर के पेज है 199, और इसके अलावा एआईआर ऑल इंडिया रिपोर्टर पेज है 1930 है, और लाहौर का पेज है 511। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर के बार ऑफ सूट। इसके साथ इजाजत, अपना और अपने गिरदों का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।